तो आपको पता होगा जो साइन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ sin 3 ए होता है। इस फॉर्मूले का यूज होगा। और एक आपको ये पता होगा cos a cos 2a cos 2 square a up to cos 2 की पावर n-1 a इज इक्वल टू sin 2 की पावर n a/2 की पावर n sin a। 2 की पावर n है ही। उसके बाद अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी sin 12 sin 18 sin 42 sin 48 sin 72 sin 78। इसको प्रूफ करना था cos 18 / 32। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं sin 12 sin 48 एंड sin 72 का ये जो पेयर है इसको देखते हैं। तो इसको अगर अपन ए मान लें तो ये जो क्वांटिटी है वो 60 माइनस ए है और ये जो क्वांटिटी है वो 60 प्लस ए है। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लग रहा है 1/4 ऑफ sin 3 ए, तो ये इस चीज के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं जो सेकंड पेयर है वो है अपना sin of 18 sin of 42 एंड sin of 78। ये 60 माइनस ए है, ये 60 प्लस ए है और ये हो जाएगा 1/4 ऑफ sin 54। आगे देखते हैं फिर, सॉरी इसके लिए। तो जो अपने पास जो प्रोडक्ट आया वो 1/4 ऑफ sin 54 एंड 1/4 ऑफ sin 36। उसके बाद ये जो चीज है वो ये हो जाएगी 1/16 sin of 36 sin of 54। और sin of 54 को ऐसे लिख सकता है यहाँ पे ये 1/16 है, वो मैंने 8 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर यह sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो यहाँ पर ये उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपने पास ऊपर sin 72 आ जाएगा और उसको sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो उस हिसाब से इसको cos 18 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपनी सेकंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अपन को फाइंड आउट करना था sin of 9 pi by 14 sin of 11 pi by 14 sin of 13 pi by 14। तो आपको ये पता होगा sin of pi minus theta होता है जो sin theta होता है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो sin 5 pi by 14 sin of 3 pi by 14 एंड sin of pi by 14। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos of pi by 7 cos of 2 pi by 7 एंड cos of 3 pi by 7। जैसे यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मैं लिखूंगा जैसे ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, वैसे ही तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो sin थीटा होता है। तो sin 5 pi by 14 को ऐसे लिख सकता है 7 pi by 14 यानी pi/2। दिस ये हो जाएगा cos of 2 pi by 14, ये हो जाएगा cos of pi/7। तो ये भी पता होगा कि cos of pi minus theta minus cos theta होता है, ये हो जाएगा cos of pi by 7 cos of 2 pi by 7 एंड cos of 4 pi by 7 विद अ माइनस साइन। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया sin 2 क्यूब ऑफ पाई बाई सेवन
डिवाइडेड बाय 2³ ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 7। जो साइन पाई प्लस थीटा होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, उसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो 1/8 आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।